नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। मैं हूँ साबिता ठाकुर, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों, खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की, या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश डायरी के पन्नों में क्या है खास। आज हम बात करेंगे गन्ने की घटती उत्पादकता की, जानेंगे राजस्थान के धौलपुर जिले में हो रही आलू की अच्छी पैदावार को, समझेंगे मानसून के दस्तक को, और साथ ही बताएंगे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ रहे किसानों के बारे में। इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में 30% की गिरावट आई है, जिससे चीनी का उत्पादन काफी घटिया है। सूत्रों के मुताबिक गन्ने की पैदावार में भारी कमी आने से चीनी मिले स्वयं ही उत्पादकों के पास जाने एवं उससे गन्ने की खरीद करने का प्रयास कर रही है। इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में 30% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे चीनी का उत्पादन काफी घट गया है। गौरतलब है कि गन्ना पैदावार कम होने से चीनी के साथ साथ गुड़ का दाम भी काफी बढ़ गया है, जिससे इन इकाइयों को फायदा हो रहा है। मिल मालिक स्वयं ही आगे आकर गन्ना का मूल्य 3,000 रुपए प्रति टन कर रहे हैं। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने गन्ना का उचित एवं कामकारी मूल्य 2,350 रुपए प्रति टन निर्धारित किया था, और इस वर्ष भी इसको उसी स्तर पर बरकरार रखा गया है। त्योहार के दिनों में गेहूं और खाद्य तेल की कीमतें काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार उन पर आयात शुल्क कम कर सकती है। गेहूं पर आयात शुल्क 25% से घटाकर 10%, खाद्य तेल पर 12 से घटाकर 7.5% और रिफाइंड खाद्य तेल पर 20% से कम 15% कर सकती है। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर करने और दाम पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलते ही घोषणा हो जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में गेहूं की खुदरा कीमतें 1 से 2 रुपए प्रति किलोग्राम और आटे का दाम 2 से 3 प्रति किलो बढ़ा है। व्यापारी और आटा मिल मालिक इसके लिए खुले बाजार में गेहूं की किल्लत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खाद्य तेल के भाव भी लगातार चढ़ रहे हैं। वैश्विक बाजार में तेजी और खरीफ में सोयाबीन की फसल बिगड़ने का घटका ही भाव चढ़ रहा है। मुंबई में 2 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पहुंचे कच्चे पाम ऑयल की कीमतें 45 से 52% ज्यादा रही है, और रिफाइंड पाम ऑयल के दाम 37 से 40% अधिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के धौलपुर जिले में भी सब्जियों के राजा आलू की अच्छी पैदावार होने लगी है। आलू की बढ़ती मांग को देखते हुए रकबा भी बढ़ता जा रहा है। यहां का आलू चेन्नई, हैदराबाद, सूरत व कोलकाता में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। करीब 1 दशक पहले जिले में आलू का रकबा बहुत कम था। आज करीब 16,000 हेक्टेयर में आलू की पैदावार हो रही है। यहाँ हर वर्ष करीब 3 लाख मेट्रिक टन आलू पैदा होता है। आलू की पैदावार बढ़ने के साथ ही खपत भी बढ़ रही है। जहाँ पहले जिले में लोग उत्तर प्रदेश का आलू खाते थे, उसकी जगह धौलपुर के आलू ने ले ली है, जो उत्तर प्रदेश के आलू से सस्ता पड़ता है। जिले में आलू का रकबा व उत्पादन बढ़ने के साथ ही कृषि विभाग की ओर से इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए विभाग की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इसमें 35% अनुदान दिया जाता है। जिले में किसानों का आलू की तरफ रुझान बढ़ने के साथ ही कृषि विभाग व जिला परिषद की ओर से आलू फसल का बीमा कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे नुकसान की स्थिति में किसानों को राहत मिल सके। हालांकि भरतपुर सहित अन्य जिलों में आलू का बीमा होता है। जिले में करीब 16,000 हेक्टेयर में आलू की पैदावार होती है। यहां आलू की पैदावार बढ़ने के साथ ही विभाग की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चालू खरीफ सीजन में राजस्थान में ग्वार सीड की पैदावार 19.62 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष राज्य में इसकी पैदावार 22.23 लाख टन हुई थी। चालू खरीफ सीजन में राजस्थान में ग्वार सीड की पैदावार 19.62 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष राज्य में इसकी पैदावार 22.23 लाख टन हुई थी। राजस्थान में कृषि निदेशालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान 2016 और 17 के अनुसार राज्य में ग्वार सीड की बुआई 35.76 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसकी बुआई 47.87 लाख हेक्टेयर में हुई थी,
चालू खरीफ में ग्वार सीड प्रति हेक्टेयर उत्पादक 549 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 465 किलोग्राम हुई थी। राज्य सरकार के कृषि निदेशालय के अनुसार जैसलमेर, बूंदी, गंगानगर, अजमेर, झालावाड़, कोटा और नागौर जिले से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कृषि निदेशालय ने पिछले 5 साल के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के शीत गृह में भंडारित आलू की निकासी न होने से किसान और शीत गृह मालिकों के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। एकाएक आलू पर आई मंदी के कारण यहां के किसानों और व्यापारियों ने भंडारित आलू की निकासी बंद कर दी है। बाहर की मंडियों में भी आलू की मांग नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के शीत गृह में भंडारित आलू की निकासी न होने से किसान और शीत गृह मालिकों के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। अक्टूबर में पूना तथा अन्य प्रदेशों का नया आलू बाजार में आ जाने से किसानों के भाव औंधे मुंह गिर जाएंगे। फरुखाबाद के 65 शीत गृहों में 5.5 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित किया गया था। अब तक केवल 35% ही शीत गृहों से निकासी हो सकी है। 65% आलू अब भी शीत गृहों में भंडारित हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि पूना और होशियारपुर आलू की अगेती फसल की गड़ाई हो गई है। यहाँ का आलू 15 अक्टूबर तक बाजारों में आ जाएगा और 15 नवंबर तक फरुखाबाद का भी अगेती फसल का आलू बाजार में आने से शीत गृहों में भंडारित आलू के दाम एकाएक गिर जाएंगे, जिससे किसान भंडारित आलू की निकासी बंद कर देगा। एकाएक आलू पर आई मंदी के कारण किसानों और व्यापारियों ने भंडारित आलू की निकासी बंद कर दी है। बाहर की मंडियों में भी आलू की मांग नहीं हो रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जीरा की बढ़ती कीमतों के बारे में। जीरे में इस समय घरेलू मसाला कंपनियों के साथ ही निर्यात मांग अच्छी बनी हुई है, जिससे इसकी कीमतों में फिर से तेजी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम देश डायरी में। इस वर्ष नए चावल की फसल ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष कई लाख हेक्टेयर में चावल की बुआई हुई है। हालांकि इसमें परमल चावल की बुआई ज्यादा और बासमती की बुआई थोड़ी कम हुई है, लेकिन अधिक फसल आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। निर्यात मांग कैसी रहती है, इस पर तेजी मंदी का दारोमदार रहेगा। इस वर्ष कई लाख हेक्टेयर में चावल की बुआई हुई है। हालांकि इसमें परमल चावल की बुआई ज्यादा और बासमती की बुआई थोड़ी कम हुई है, लेकिन अधिक फसल आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। निर्यात मांग कैसी रहती है, इस पर तेजी मंदी का दारोमदार रहेगा। इस समय मोटे चावल में अफ्रीका और बांग्लादेश की अच्छी डिमांड बनी हुई है। 1121 और 1509 की मांग ईरान और अरब देशों की दीपावली बाद निकल सकती है। अभी पंजाब और हरियाणा में छुटपुट रूप से 1509 धान की आवक शुरू हुई है। इसके भाव 1700 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के निकले हैं। आवक बढ़ने पर धान के भाव में कमी आ सकती है। ट्रेडिशनल बासमती में अमेरिका व यूरोपीय देशों की मांग अच्छी आ सकती है, क्योंकि रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत स्थिति में है। इधर मोटे चावल में बिहार और उड़ीसा में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वहां चावल की फसल को कितना नुकसान है। अब भारत चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर तो है ही, वहीं जबरदस्त निर्यात की स्थिति में भी पहुंच गया है। नीति आयोग भारत के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मेथेनॉल को अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत ईंधन के नए रूप मेथेनॉल को अपनाते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के महंगे आयात पर निर्भरता की अपनी आदत को छोड़ेगा। सरकार के प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग का मानना है कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में मेथेनॉल को अपनाना एक क्रांतिकारी विचार है और यह जलवायु परिवर्तन का भी एक जवाब बन सकता है। भारत के प्रभावशाली परिवहन मंत्री ने मेथेनॉल अर्थव्यवस्था पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पेट्रोलियम आयात के लिए आयात बिल शून्य हो। भारत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 4.5 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहा है। मीथेन आयात का सस्ता विकल्प है।
जीरे में इस समय घरेलू मसाला कंपनियों के साथ ही निर्यात मांग अच्छी बनी हुई है, जिससे इसकी कीमतों में फिर से तेजी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जीरे में इस समय घरेलू मसाला कंपनियों के साथ ही निर्यात मांग अच्छी बनी हुई है, जिससे इसकी कीमतों में फिर तेजी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चालू फसल सीजन में अप्रैल से अगस्त तक उत्पादक मंडियों में केवल 69,675 टन जीरे का आवक हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इसकी आवक 1,00,000 टन की हुई थी। चालू वित्त वर्ष 2016 और 17 के पहले तीन महीनों में जीरे का निर्यात बढ़कर 41,000 टन हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसका निर्यात 26,529 टन हुआ था। इस दौरान भारत से सबसे ज्यादा जीरा आयात वियतनाम ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जून में जीरा का निर्यात 9,859 टन का हुआ है, जो कि मई के मुकाबले तो कम हुआ है, लेकिन पिछले साल जून के 7,064 टन से ज्यादा निर्यात हुआ है। केंद्र सरकार ने दालों का बफर स्टॉक 8,00,000 टन से बढ़ाकर 20,00,000 टन करने का फैसला किया है। दालों की कीमतों को स्थिर रखने और किसानों को दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार देश में दालों की खरीद बढ़ाएगी। इसके साथ ही दालों की पर्याप्त सप्लाई रखने के लिए इम्पोर्ट भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दालों का बफर स्टॉक 8,00,000 टन से बढ़ाकर 20,00,000 टन करने का फैसला किया है। दालों की कीमतों को स्थिर रखने और किसानों को दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार देश में दालों की खरीद बढ़ाएगी। इसके साथ ही दालों की पर्याप्त सप्लाई रखने के लिए इंपोर्ट भी किया जाएगा। केंद्र ने दालों की कम दाम पर सप्लाई के लिए बफर स्टॉक बनाया है। पिछले कुछ सप्ताह में दालों के रिटेल प्राइसेस गिरे हैं और अभी ये बड़े शहरों में 115 से 170 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दालों का बफर स्टॉक बढ़ाकर 20,00,000 टन करने के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जरूरी फंड डिपार्टमेंट की प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड स्कीम के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दालों की कीमतों को स्थिर रखा जा सकेगा और देश के किसानों को दालों का उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। अतिरिक्त बफर स्टॉक तैयार करने के लिए FCI और डेफेड जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए दालों की खरीदारी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी दालों की खरीदारी के लिए अधिकृत किया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब दौरे के आखिरी दिन मोगा में किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। साथ ही फसल बर्बाद होने पर किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब दौरे के आखिरी दिन मोगा में किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के मुताबिक किसी भी किसान के घर कुर्की नहीं होगी, साथ ही उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2018 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। आटा दाल स्कीम के तहत 10,00,000 नए परिवार लाए जाएंगे और दूध दवाओं में मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में 25,000 डेयरी फार्म खोलने का भी वादा किया गया है। दिसंबर 2018 तक पंजाब के किसान कर्ज से मुक्त होंगे ही। इसके साथ ही किसानों के कर्ज मुक्त होने तक जोर जबरदस्ती वसूली की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसान या खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की बेटी की शादी के हफ्ते भर के भीतर शगुन के तौर पर 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा किसान या खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के घर बेटी के जन्म लेने पर उसके नाम पर बैंक खाते में 21,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष 2016 और 17 के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई के दौरान बासमती चावल के निर्यात में मूल्य के हिसाब से 3.09% की गिरावट आकर इस दौरान 8,140.06 करोड़ रुपए तक ही बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8,399.39 करोड़ रुपए तक बासमती चावल का निर्यात हुआ था। चालू वित्त वर्ष 2016 और 17 के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई के दौरान बासमती चावल के निर्यात में मूल्य के हिसाब से 3.09% की गिरावट आई है। इस दौरान केवल 8,140.06 करोड़ रुपए तक ही बासमती चावल का निर्यात हुआ है। इस दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात मूल्य के हिसाब से 1.67% बढ़कर
कुल 5,698.48 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसका निर्यात 5,605.06 करोड़ रुपए मूल्य का गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है। चालू सीजन में धान की रुपाई में बढ़ोतरी हुई है और अभी तक मौसम भी फसल के अनुकूल है, ऐसे में चावल की पैदावार ज्यादा होने का अनुमान है, इसलिए धान की कीमतों में और गिरावट आने का अनुमान जताया जा रहा है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने वाले किसानों की। मध्य प्रदेश के ओबेदुल्ला गंज ब्लॉक के गांव नयापुरा सोडरपुर की कुछ महिलाओं ने ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से फिनाइल बनाने का कार्य शुरू किया है। यहां की महिलाओं ने कई क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके द्वारा बनाए गए फिनाइल की आसपास के हाट बाजारों में अच्छी बिक्री भी हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम देश डायरी में। उत्तर प्रदेश के कुंडा जिले में बारिश न होने के कारण किसानों के माथे पर इन दिनों चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि इस वर्ष कम बारिश और फसल में कीट लग जाने के कारण सोयाबीन फसल बर्बाद हो गई है। कुंडा क्षेत्र में किसानों के माथे पर इन दिनों चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। शुरुआती बारिश में लोगों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के थमने से किसानों की चिंता बढ़ गई है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान सोयाबीन की फसल लेते हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में सोयाबीन की फसल में फल लगने से पहले ही पत्ते में फफूंद व कटुआ रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में बारिश नहीं होने से फसलें काफी प्रभावित हुई हैं। वहीं भादो माह में रुक रुक कर बारिश हुई व तेज धूप के चलते फसलों का नुकसान हो रहा है। यहां के किसान कीटों की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13,66,383 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। इस योजना में 12,09,357 ऋणी व 1,56,945 अऋणी किसान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13,66,383 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। वहीं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम के लिए है और इस योजना में 12,09,357 ऋणी व 1,56,945 अऋणी किसान शामिल हैं, जो खरीफ मौसम 2015 व 16 में 12,03,919 किसानों का बीमा हुआ है, जबकि इनमें 11,63,658 ऋणी और 40,281 अऋणी किसान शामिल हैं। क्योंकि पिछले वर्ष खरीफ मौसम की तुलना में 1,62,383 से ज्यादा किसान ऋणी और गैर ऋणी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है, लेकिन पिछले साल खरीफ मौसम की तुलना में इस साल बीमा कराने के मामले में ऋणी किसानों की संख्या में 290% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के ओबेदुल्ला गंज ब्लॉक के गांव नयापुरा सोडरपुर की कुछ महिलाओं ने ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से फिनाइल बनाने का कार्य शुरू किया है। यहां की महिलाओं ने कई क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके द्वारा बनाए गए फिनाइल की आसपास के हाट बाजारों में अच्छी बिक्री भी हो रही है। ओबेदुल्ला गंज ब्लॉक के गांव नयापुर सोडरपुर की कुछ महिलाओं ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से फिनाइल बनाने का कार्य शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित कर न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। जिले की अनेक महिलाओं ने कृषि, दुग्ध उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, पोल्ट्री, किराना व्यवसाय के साथ कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। ओबेदुल्ला गंज ब्लॉक के गांव नयापुर सोडरपुर की ऐसी ही कुछ महिलाओं ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से फिनाइल बनाने का काम शुरू किया है। उनके द्वारा बनाए गए फिनाइल की आसपास के हाट बाजारों में अच्छी बिक्री हो रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अच्छी बारिश और फसलों के अनुरूप बने रहे मौसम से इस बार धान, सोयाबीन और उड़द सहित अन्य फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अच्छी बारिश और फसलों के अनुरूप बने रहे मौसम से इस बार धान, सोयाबीन और उड़द सहित अन्य फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले भर में 3,24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी की गई है, जिसमें 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 78,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन और 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बोवनी हुई है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार प्रति एक हेक्टेयर में 36 से 40 क्विंटल तक धान की पैदावार हो सकती है। जिले भर में धान के अलावा सोयाबीन भी ठीक नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों, सूचनाओं और खबरों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।